नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद बांगेला। आइए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की, और सबसे पहले बात करते हैं बीजापुर की। यहां पर खेल अकादमी के खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। सीएम बघेल ने सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र दिए। खेल अकादमी के 5 खिलाड़ियों ने विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। खिलाड़ियों ने चीन और फिलीपींस में सॉफ्टबॉल, कराटे और हैंडबॉल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन दुर्गम ने। सरपंच एवं किसान सम्मेलन में भूपेश बघेल बीजापुर पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं और निकट भविष्य में उनकी क्या प्लानिंग रहेगी। आपका नाम क्या बेटा? कविता एमला। अच्छा, कौन से गेम के लिए आपको प्रशस्ति पत्र मिला है? सॉफ्टबॉल में। कहां गए थे आप खेलने? सेना। मुख्यमंत्री के हाथों प्रशस्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ बात की उनसे? आप कुछ बात की गेम साहब से? नहीं किए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। और आपका आगे चल के क्या प्लानिंग है खेलों को लेकर? अब बताओ। मैं आगे मतलब खेल के अपना नाम रोशन करूं और अपने कोच का और अपने परिवार का नाम रोशन करूं। अभी कौन से खेल हैं जहां पे आप लोग जाना चाहते हैं या प्लानिंग किए हैं, जहां आप जाना आपका सपना है? वर्ल्ड कप। और आप कौन से खेल में गए हैं? सर, मैं कराटे का खिलाड़ी हूं और मैं 2018 में साउथ अफ्रीका कॉमनवेल्थ खेलने गया था, और मैं आज मुख्यमंत्री मुझे प्रशस्ति पत्र दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और बात भी की है, और मैं सोचूंगा कि आगे ओलंपिक में मैं खेल पाऊं और मैं मेहनत करूंगा। आप कहां से हैं और किस खेल में आपको सम्मान प्रशस्ति पत्र दिया गया? सर, मैं सॉफ्टबॉल खेलता हूं और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गया था। सॉफ्टबॉल मलेशिया में हो रहा था जो टूर्नामेंट, उसमें मेरी ब्रॉन्ज मेडल लगी है और इंटरनेशनल का ब्रॉन्ज मेडल लगा था, और मेरे कोच को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे कोच सुभान करने वाले ने सर हमें इतने मेहनत करो आके हमको नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँचाए, बहुत बड़ी बात है कि हम उस लेवल तक पहुँच गए, और फिर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमें उस लेवल तक पहुँचाने के लिए, और फिर मेरे कोच श्री सुभान करने वाले पंकज अवार्ड विक्रम अवार्ड भी है, और उन्हीं के जैसे हम लोग भी बनना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिले तो कुछ बात आपकी हो? हाँ, तो सर मुख्यमंत्री जी सर ने बोले कि ऐसे खेलते रहो, फिर बीजापुर को आगे बढ़ाते रहो बोले। ये थे वो खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजापुर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। ये 5 खिलाड़ी ये चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम और वर्ल्ड लेवल पे जो गेम होते हैं उनमें बीजापुर का प्रतिनिधित्व करें, देश का प्रतिनिधित्व करें और देश का मान बढ़ाएं। मुख्यमंत्री के सभा स्थल से मैं पवन दुर्गम, स्वराज एक्सप्रेस।